फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मेरा नाम है निखिल कुमार पमनानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका वेटेज गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बहुत रहता है और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये है इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स टू फाइंड यूनिट डिजिट्स ऑफ नंबर्स हैविंग हाई पावर्स। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार एग्ज़ाम्स में देखा होगा कि आपको कोई नंबर दिया रहता है, उसकी कुछ हाई पावर होती है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, जब ये पावर से सॉल्व होके आएगा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसको पता लगाने में कई लोगों को लगता है कि बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर आज आप मेरा ये पूरा सेशन देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको 4 से 5 सेकेंड के अंदर बन सकता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए पूरा सेशन देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, ये यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स का याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, ये स्टेप्स अभी आपको बड़े लगेंगे, लेकिन जैसे ही ये सेशन ख़त्म होता है अगर आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी बनेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिक्स टू फाइंड यूनिट डिजिट। Firstly, you have to divide the given power by 4 and nextly, you have to follow some conditions. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो नंबर की पावर दी हुई है उसको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरे स्टेप में ये बताया गया है ट्रिक्स टू फाइंड यूनिट डिजिट। If after dividing power by 4, remainder is 0, then make 4 as power of unit digit. तो सबसे पहला important step, अगर आप उस power को 4 से divide करते हैं और आपका remainder 0 आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो unit digit होगी ना, मतलब जो number आपको दिया है उसकी जो unit digit होगी, उस unit digit को आप पावर कर दो किसका, 4 का। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 77 की पावर 84। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पावर की जगह ये साइन दिया है, आप समझ जाइएगा। तो क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 77 की पावर 84। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालनी है, यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, उस पावर जो पावर है 84 उसको 4 से डिवाइड करना है। तो जब आप 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, एंड वी गेट रिमाइंडर 0। सो हियर यूनिट डिजिट इज 7। तो आपका नंबर क्या है, 77। तो उसकी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब जो लास्ट वन डिजिट होती है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो 7 है। सो वी मेक 4 एस पावर ऑफ 7। तो हम 7 की पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो जैसे ही आप 7 की पावर 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 2401। तो 2401 में यूनिट डिजिट क्या है, मतलब वंस डिजिट क्या है, 1। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब जब 77 की पावर 84 सॉल्व होगा तो जो यूनिट डिजिट में नंबर आएगा वो आएगा 1। तो बहुत ही सिंपल था, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें 4 से डिवाइड करना है किसको, जो पावर दी हुई है। अब यहाँ पे पावर 84 थी, हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो मैंने आपको बताया कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो जो यूनिट डिजिट होगी उसकी पावर आप 4 कर देंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या थी, यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट 7 थी तो उसकी हमने पावर 4 कर दी, तो हमें मिला 2401 और उसमें यूनिट डिजिट क्या थी, 1, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे हमेशा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो उसके लिए भी अलग चीज़ है। नाउ इफ आफ्टर डिवाइडिंग द पावर बाय 4 वी गेट रिमाइंडर एस 3, देन मेक द यूनिट डिजिट एस पावर ऑफ 3। तो फ्रेंड्स, ये भी सेम है, बस इसमें करना ये है कि अगर आप पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 3 आता है
तो आपको यूनिट डिजिट की पावर 3 कर देनी है। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल 84 की पावर 75, सो हियर पावर इज 75। व्हेन वी डिवाइडेड बाय 4 वी गेट रिमाइंडर 3। ठीक है, पावर 75 थी, जब हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा? 3। नाउ वी मेक 3 एज पावर ऑफ यूनिट डिजिट, सो वी गेट, ठीक है, अब क्या करना है हमें, जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर 3 कर देनी है। तो जो 84 है उसमें यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो हमें 4 की पावर क्या कर देनी है? 3। तो जब आप 4 की पावर 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 64। अब 64 में यूनिट डिजिट क्या है? 4, जो कि हमारा ऑब्वियस आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ आफ्टर डिवाइडिंग पावर बाय 4 रिमाइंडर इज 2, देन मेक 2 एज पावर ऑफ यूनिट डिजिट। तो फ्रेंड्स ये भी सेम है, अगर आप पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर आपको रिमाइंडर 2 मिलता है तो 2 को क्या करें? यूनिट डिजिट की पावर बना दें। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो है 77 की पावर 86। तो 86 हमारी पावर है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2। और यहाँ पे जो नंबर है 77, उसकी यूनिट डिजिट क्या है? 7। तो हमें कुछ नहीं करना है, 7 की पावर 2 कर देनी है। तो 7 की पावर 2 करेंगे तो मिलेगा 49, और 49 में यूनिट डिजिट क्या है? 9, जो कि हमारा इजी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ आफ्टर डिवाइडिंग द पावर बाय 4 वी गेट रिमाइंडर एस 1, देन मेक द यूनिट डिजिट एस पावर ऑफ 1। तो ये भी सेम है, यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि अगर आप पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो जो भी यूनिट डिजिट है उसकी पावर 1 कर दीजिए। तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 83 की पावर 73। 73 हमारी पावर है, सबसे पहले हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें मिला क्या? रिमाइंडर 1। अब रिमाइंडर 1 मिल गया तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यूनिट डिजिट की पावर 1 कर देनी है। तो 83 जो नंबर है उसमें यूनिट डिजिट है 3, 3 की पावर अगर आप 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो जो यूनिट डिजिट है और हमारा आंसर भी है। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जो भी आपको पावर दी हो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट की पावर 4 कर दीजिए, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट की पावर 1 कर दीजिए, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट की पावर 2 कर दीजिए, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट की पावर क्या कर दीजिए? 3 कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अगर आप ये पूरा सेशन देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि कितना सिंपल है ये टॉपिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपको इसमें और कुछ चाहिए जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।